पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लगातार चली मैराथन बैठक के बाद भी आज रात होते होते तक, जब आपकी खबर देख रहे होंगे तब तक, कोई भी बात फाइनल नहीं हुई है और ना इसकी जानकारी मीडिया को दी गई है कि आखिर हो क्या रहा है और होने वाला क्या है। अभी तक यह असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि शाम 7:30 बजे नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे, लेकिन उसके पहले ये बातें एक बार फिर से वैसी ही निकली जैसी कयासों के बाजार में नीतीश कुमार के संयोजक बनने की बातें चल रही थी। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि किसी भी पल कोई भी फैसला आपको चौंका सकता है। एक फैसला जिसकी सभी कल्पना कर रहे थे और जो लग रहा था बयानों के आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अचानक से जब बाहर निकले लोग जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय से या फिर नीतीश कुमार के आवास से मीटिंग के बाद, तो कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था और किसी को कुछ पता नहीं है कि आखिर होने वाला क्या है। अगर पता भी होगा भी तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो मैराथन बैठक पर बैठक कर रही है, लगातार दिल्ली से केंद्रीय नेताओं का और बिहार के सांसदों सहित मंत्रियों पदाधिकारियों का आना जारी है, उसके बाद भी अब तक ये पेच सुलझा नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो डील था, जो समझौता था, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि इस डील के उलझने के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा कल पटना आ सकते हैं। इस बात को लेकर के पूरी रात, जो हमारी जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से, भाजपा के सभी विधायकों को बंद रखा गया है कार्यालय के भीतर। सभी एकजुट हैं और एक साथ बैठे हुए हैं, वहीं पर उनके रहने खाने सोने सबका इंतजाम किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के विधायकों पर भी कड़ी नज़र रखी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा माहौल कहीं ना कहीं एक बड़ा ही सस्पेंस फिल्म की तरह नज़र आ रहा है। पल पल सस्पेंस बदलता जा रहा है और सस्पेंस इतना कि आपको बता दें कि इस डील को लेकर के और इस जो नई सरकार बनने की संभावनाएं हैं उसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना आ सकते हैं और उनके आने के बाद ही ये सब कुछ क्लियर होगा कि आखिर किस बेसिस पर, किस आधार पर ये गठबंधन आगे चलेगा। गठबंधन तो चल ही रहा है, नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा किस बेसिस पर होंगे और गठबंधन के बाद बाकी के जो पहले से दल हैं उनके साथ किस तरह का अंडरस्टैंडिंग बनाया जाएगा, ये सब कुछ क्लियर करके तब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आगे बढ़ें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर इन बाकी के दलों का भी दबाव बनता जा रहा है। नीतीश कुमार इस बार ऐसा नहीं है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी की बैतरणी पार लगा देंगे। एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस मामले को पूरी तरह से उलझा करके रखा है और अभी तक कई संभावनाओं पर आप देखिए कि मीडिया जगत हो या फिर राजनीतिक गलियारा हो, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि होने वाला क्या है। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास सूचना आई है उसमें राष्ट्रीय जनता दल की बैठक समाप्त हो चुकी है, विधायकों को ये अधिकृत कर दिया गया है कि वो कोई भी बयान न दें, लेकिन एक बयान वो लगातार दे रहे हैं कि हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया है, वो जो फैसला लेंगे वो फैसला मुझे हमें मान्य है। इसके साथ साथ संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि अभी भी जीतन राम मांझी का जो मीटिंग चल रहा है उस मीटिंग में ये सूचना मिल रही है कि उन्होंने ये दावा किया है कि वो एनडीए में है और एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रस्साकसी मची हुई है और चिराग पासवान जो दिल्ली गए हैं, उन्हें बुलाया गया है, उनकी अमित शाह और जेपी नड्डा से बातचीत हो गई है, उसके बाद ये सब बातें निकल करके सामने आई कि एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के आने से पहले ये सब कुछ साफ हो जाना चाहिए कि आगे की रणनीति और राजनीति किस तरह से चलेगी। अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं तो इससे किसी को परेशानी नहीं हो और नीतीश कुमार को भी परेशानी न हो कि आगे एनडीए कमजोर हो सके। इस बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की टीम के एक वरिष्ठ सदस्य और प्रवक्ता आज ही बोल करके गए हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति न बने कि फिर से एक बार बिहार को बदनाम होना पड़े। यानी मान के चलिए कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है और इस सस्पेंस का खुलासा तब होगा जब जेपी नड्डा और अमित शाह बिहार आ रहे हैं, जो सूचनाएं हमें मिल रही है उसके बाद ये सब कुछ हो सकता है। यानी कि कल ही
नीतीश कुमार इस्तीफा भी देंगे और सरकार का नई सरकार का शपथ ग्रहण भी होगा। ये सारी बातें इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ अभी 12 घंटे जो रात होगी उसमें होना बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।